9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे राजस्थान में चल रही सियासी घमासान की। जो यहां आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार सचिन पायलट सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सचिन पायलट ने यह साफ कर दिया है कि जब तक उनकी 3 शर्तों को सरकार पूरा नहीं कर लेती वो अपने इस आंदोलन को रोकने वाले नहीं है। सवाल यह है कि सचिन पायलट ने मोर्चा तो खोल दिया है लेकिन क्या वो अपनी बात पर टिके रह पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अगर पार्टी के हाईकमान ने सचिन पायलट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो फिर सचिन पायलट क्या करेंगे? क्या सचिन पायलट अपनी खुद की सरकार बना लेंगे? क्या सचिन पायलट किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे? यूं तो समय समय पर इस बात के कयास लगाए ही जाते हैं कि शायद सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, अपनी खुद की सरकार, माफ कीजिएगा, अपनी खुद की पार्टी भी बना सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में सच है या फिर सचिन पायलट अभी भी पार्टी के हाईकमान से ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल सकता है? जिस तरीके से उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार पर हमलावर होते हुए अपनी 3 मांगे रख दी है, वो 3 मांगे जिन्हें कभी खुद पार्टी में सरकार में आने से पहले पार्टी ने जनता से वादों के तौर पर सामने रखा था और कहा था कि इन 3 मांगों को वो पूरा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सरकार तो बन गई लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही सचिन पायलट ने क्यों इन मांगों को सामने रखा है, क्यों सचिन पायलट ने ये वक्त चुना इन मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए? क्या सचिन पायलट पार्टी के हाईकमान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एंड वक्त पर वो इस तरीके से बगावत करेंगे तो शायद उनकी मांगों को मान लिया जाए और शायद उन्हें पार्टी में वो पद भी दे दिया जाए जिसकी हमेशा से उन्हें चाह थी, वो पद यानी कि मुख्यमंत्री पद। हालांकि अशोक गहलोत समय समय पर उनके इस सपने में रोड़ा अटकाते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है या नहीं। सचिन पायलट की अगर बात करें तो उन्होंने पहले 11 मई से अपनी जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन साफ तौर पर उनके जो भी बयान थे वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि वो सिर्फ अशोक गहलोत से या उनकी सरकार से ही नहीं बल्कि पार्टी के हाईकमान से भी काफी ज्यादा नाराज हैं। और ये नाराजगी देखने को मिली जब वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे पहलवान खिलाड़ियों को अपना समर्थन देने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए जब सचिन पायलट गए उस दौरान भी देखने को मिला कि उन्होंने पहलवानों को समर्थन तो दिया लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के आला कमान तक ये बात भी पहुंचा दी कि उनकी मांगों को भी जल्द से जल्द अब पार्टी को पूरा करना होगा। क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने पहले, आप वो सुन लीजिए। साथियों दोस्तों, आज 26-27 दिन से हमारे नौजवान साथी हमारे देश के गौरव खेल जगत में देश का प्रदेश समाज सब लोगों का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी इतनी पीड़ा में इस वेदना को लेके इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर न्याय उनके साथ हुआ है उसकी गुहार लगाने के बाद अब तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको सही मायने में मान सम्मान मिले, उनकी बात को सुना जाए और न्याय उनको मिले। जब इस देश का नौजवान किसान और पहलवान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है, हमारे साथी जो आज आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे कुछ विधायक महोदय हैं राजस्थान प्रदेश से आए हैं अपना समर्थन देने और इस बात को रेखांकित करने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है, न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय नौजवानों के साथ होता है। हम इतना ही चाहते हैं कि निष्पक्ष जाँच हो, जो न्याय की गुहार हमारे वो खिलाड़ी लगा रहे हैं जिनको अखबार टेलीविजन में देखकर हमें हमारा
फख्र होता है, हमारा माथा ऊंचा होता है। आ रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी बात सुनकर कानून के दायरे में रहते हुए अगर न्याय दिलाने में कहीं देरी हो रही है तो हम सबको उस पर चिरंत मंथन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके दबाव में हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे बेटे बेटियां, और ये बात किसी एक प्रदेश की नहीं है, एक जाति, एक बिरादरी, एक धर्म की नहीं है, ये नौजवान जब जीत कर आए थे मेडल हमारे देश के लिए तो पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया था। इसलिए बहुत दुख हमें होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी आज इन लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आग्रह करूँगा आप सब लोगों से और जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके जो वाजिब मांगे हैं उन पर कार्रवाई हो, और कानून के तहत, संविधान के तहत बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है क्या प्रावधान है, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग सिर्फ इतना मान रहे हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, कि कानून के दायरे में जो स्पष्ट लिखित है उस पर कार्रवाई हो, तेरा मेरा ना हो, पक्षपात ना हो, भेदभाव ना हो, दबाव की राजनीति ना हो, और कानून अपना काम करे, दुरुस्त करे, समय पर करे। इतनी मांग लेकर बैठे हैं हम सब, इनके समर्थन में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मांगों को, इनकी मांगों को बहुत जल्द माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नौजवान साथी, हमारे देश के गौरव, खेल जगत में देश का, प्रदेश, समाज, सब लोगों का नाम रोशन करने वाले हमारे खिलाड़ी, इतनी पीड़ा में, इस वेदना को लेके इतने लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, अपनी मांगों को लेकर जो न्याय उनके साथ हुआ है उसकी गुहार लगाने के बाद अब तक इंतजार कर रहे हैं कि उनको सही मायने में मान सम्मान मिले, उनकी बात को सुना जाए और न्याय उनको मिले। जब इस देश का नौजवान, किसान और पहलवान अगर खुश नहीं है तो देश खुश नहीं हो सकता। आज मुझे बड़ा दुख है, हमारे साथी जो आज आपसे मिलने के लिए आए हैं, हमारे कुछ विधायक महोदय हैं, राजस्थान प्रदेश से आए हैं अपना समर्थन देने और इस बात को रेखांकित करने के लिए कि अगर सब कुछ ठीक है, न्याय मांगने वाले को अगर न्याय नहीं मिलेगा और न्याय समय पर नहीं मिलता तो बहुत बड़ा अन्याय। आपने किस तरह से सचिन पायलट ने इस दौरान भी ये साफ तौर पर कहा कि वो चाहते हैं कि जो मांगे यहाँ पर इन पहलवान खिलाड़ियों की हैं उन्हें सरकार पूरा करे और जो उनकी मांगे हैं उन्हें भी जल्दी पूरा किया जाए। अब उनकी मांगे तो जाहिर सी बात है कि हाई कमान ही पूरा करेंगी, लेकिन क्या वो मांगे इस अल्टीमेटम के वक्त में पूरी हो पाएंगी, या फिर जिस तरह से लगातार उनके इस्तीफे की बात कही जा रही है कि वो 11 जून को अपना इस्तीफा हाई कमान को सौंप सकते हैं, क्या वो वाकई में सच उठाएगा कि सचिन पायलट अब पार्टी से बगावत करने के साथ साथ पार्टी को एक बड़ा झटका भी दे सकते हैं, और पार्टी को छोड़ने के बाद सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, क्या वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर वो अरविंद केजरीवाल का दामन थाम लेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी लगातार मुख्यमंत्री पद के लिए, अपनी पार्टी में एक दिग्गज नेताओं के लिए ऐसे ही चेहरों की तलाश कर रहे हैं, क्या वो सचिन पायलट हो सकते हैं, यह भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जिस तरह से लगातार उनके मंत्रियों पर कानूनी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, ईडी सीबीआई के शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं एक ऐसे दिग्गज नेता की जरूरत है, और क्या वो दिग्गज नेता सचिन पायलट हो सकते हैं, और अगर सचिन पायलट अरविंद केजरीवाल का दामन नहीं थामते तो क्या वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, हार्दिक पटेल की तरह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इन तमाम सवालों को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।